अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक हैं, उम्मीद है आप भी ठीक होंगे। आज मैं एक नई रेसिपी लाई हूँ आपके साथ शेयर करती हूँ, जिसका नाम है मैरिनेटेड मटन करी। इसके लिए मैंने कौन कौन से मसाले यूज़ किए हैं, यहाँ मैंने जीरा ले लिया है, सौंफ ले लिया है, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, लौंग, काली मिर्च, दालचीनी के स्टिक्स और तेज़पत्ता। ये सब मसाले हम ग्राइंड करेंगे, ग्राइंड करके हम यूज़ करेंगे। ग्राइंड करके साइड में रखते हैं मसाले सब। अब यहाँ मैंने मटन ले लिया है लगभग 800 ग्राम। सबसे पहले हम डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, हमें इसको मैरिनेट करना है। एक टीस्पून डाल दिया मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट। अब मैं डालती हूँ इसमें हल्दी का 1 टीस्पून यानी कि टर्मरिक पाउडर। अब मैं डाल रही हूँ लाल मिर्च यानी कि रेड चिली पाउडर। यहाँ हम मैरिनेट करके हम मटन पकाएंगे। इसमें डाला है मैंने 1 टीस्पून गर्म मसाला। अब मैं डाल रही हूँ उसमें मटन मसाला 1 टीस्पून। अब मैं इसमें डाल रही हूँ क्यूमन यानी कि जीरा। साबुत जीरा है, ऑप्शनल, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब हमने जो ग्राइंड किए मसाले हैं इसमें से मैं 2 टीस्पून डालती हूँ। इसमें जितने मसाले डालेंगे मैरिनेशन में वो बहुत ही अच्छा बनता है, ये बहुत ही टेस्टी बन जाता है मैरिनेशन में। जितने मसाले आप डाल सकते हो डाल दीजिएगा, ये बहुत ही टेस्टी बन जाता है। अब मैं डालती हूँ कोरिएंडर पाउडर 1 टीस्पून। मैंने यहाँ सारे मसाले ऐड किए हैं। अब मैं डाल रही हूँ जिंजर पाउडर 1 टीस्पून। मैरिनेशन के लिए अक्सर नींबू यूज़ किया जाता है, लेकिन मैंने यहाँ पर किया है इमली सॉस यूज़। इससे एक अलग ही फ्लेवर आएगा, वो टेस्ट भी अलग आएगा, ये बहुत ही डिफरेंट बनेगा इससे। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 स्पून नमक, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कीजिएगा। अब मैं इसमें डाल रही हूँ और एक चीज़, वो हो गया चिली फ्लेक्स, दरदरा कुटा हुआ जो लाल मिर्च होती है। अक्सर हम लोग चिकन मैरिनेट करते हैं और चिकन मैरिनेटेड चिकन ही बनाते हैं ज़्यादातर। आज हमने एक नई रेसिपी बनाई है जो मटन को मैरिनेट किया है हमने, और एक अलग चीज़ इसमें डाल दी है, वो है इमली का सॉस। इससे ना बहुत ही डिफरेंट टेस्ट आएगा इसमें। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ऑयल, बस 1 टीस्पून। अब हम इसको हाथ से मिक्स कर लेंगे, बहुत ही अच्छे से हमें मिक्स करना है। जो मसाले हैं पूरी तरह मिक्स होने चाहिए, मटन और मसाले पूरी तरह मिक्स हो जाने चाहिए, इसको पूरा हमें मिक्स करना है। ये देखिए हमारा चिकन जो है वो मिक्स हो गया है। अब हम इसको छोड़ देते हैं 1 घंटे के लिए। तब तक मैंने यहाँ पे दूसरा कुकर ले लिया है, इसमें मैं 2 बड़े टेबल स्पून ऑयल डालती हूँ। ऑयल को थोड़ा गर्म होने देते हैं, तब तक वेट करेंगे। अब मैं डालती हूँ इसमें क्रश्ड गार्लिक, इसको हमें फ्राई करना है गार्लिक को, गोल्डन ब्राउन करेंगे इसको। ये जो पूरी तरह हम फ्राई करते हैं ना गार्लिक को, इससे एक अलग ही टेस्ट आ जाता है। ये देखिए गोल्डन ब्राउन हो रहा है, ये हो गया। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ जीरा 1 चम्मच। अब मैं इसमें डालती हूँ 2 बड़े प्याज मैंने चॉप किए हैं, वो डालती हूँ। अब हमें ऑनियंस को, प्याज को अच्छे से फ्राई करना है। तब तक फ्राई करना है जब तक नहीं ये लाइट ब्राउन हो जाए, लाइट गोल्डन हो जाए। यहाँ पे हमें जो प्याज है उसको फ्राई करना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए हमारे जो प्याज है वो लाइट ब्राउन हो गई है। अब इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले मैं डाल रही हूँ हल्दी का 1 चम्मच। अब मैं डालूंगी इसमें लाल मिर्च 2 स्पून,
ये मसाला है, स्पाइसी है, इसलिए हमने ज़्यादा लाल मिर्च इसमें यूज़ किए हैं। हम मिक्स कर लेंगे इसको अच्छे से, मिक्स करते रहेंगे, अच्छे से पकाना है हमें ऑनियन्स को। ये देखिए मसाला, ये ऑयल छोड़ रहे हैं। हम कुछ मसाले और यूज़ करेंगे यहाँ पे, मैं यहाँ पे साबुत मसाले डालूँगी, ज़्यादा नहीं डालूँगी, बहुत कम डालूँगी, क्योंकि हमने पहले मैरिनेशन में बहुत मसाले डाले हैं। अब मैं डाल रही हूँ बड़ी इलायची एक, यानी कि ब्लैक कार्डमम, अब मैं डाल रही हूँ इसमें जीरा एक स्पून, अब मैं डाल रही हूँ इसमें दालचीनी, लौंग, लौंग डाल दिया मैंने दो तीन। अब मिक्स कर लेंगे इसको अच्छे से, भून लेंगे ये मसाले, भून लेंगे अच्छे से। अब मैं इसमें डाल रही हूँ गरम मसाला का एक चम्मच, अब मैं डाल रही हूँ इसमें मटन का मीट मसाला एक चम्मच, मिक्स कर लेते हैं। देखिए जो हमारा अनियन का मसाला है वो तैयार हो गया। अब हम डालेंगे इसमें मैरिनेटेड मीट मटन, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। तब तक इसको मिक्स कर लेंगे, थोड़ा सा इसको हम फ्राई कर लेंगे मसालों के साथ। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। देखिए थोड़ा थोड़ा ऑयल रिलीज हो रहा है, थोड़ा सा फ्राई हो रहा है। थोड़ी देर में इसको ढक कर रखती हूँ ताकि ये ऑयल जो ये पानी छोड़ दे। अब मैंने इसको ढक कर रख दिया है। अब चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा फ्राई हो गए हमारा मटन। जी ये देखिए ऑयल रिलीज हो गया है, इसका मतलब है मटन हमारा जो है हल्का सा फ्राई हो गया है। हम इसको ज़्यादा नहीं चलाएंगे, इस चिपकने का खतरा होता है। इसमें ऐड में कर रही हूँ नमक एज पर टेस्ट, मैं यहाँ एक टीस्पून ऐड कर रही हूँ। थोड़ा और मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें ऐड करते हैं पानी, मैं यहाँ वाटर का एक गिलास डाल रही हूँ इसमें। मैंने यहाँ कुकर यूज़ किया है इसलिए मैं इसमें पानी ज़्यादा नहीं डालूँगी। जिस बाउल में हमने मैरिनेट के लिए रखा था मटन, उस बाउल को मैं सॉफ करूँगी पानी से, वही पानी डालूँगी मैं इसमें। बस इतना ही पानी डाला हमने। अब हम इसको बंद कर लेते हैं। हम इसको सिर्फ दो या तीन विसल तक वेट करेंगे। तीन विसल के बाद हम कुकर को खोल रहे हैं। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा एक खुशबू आ रही है और मटन भी हमारा जो है वो कुक हो गया है अच्छे से। हमारा मटन जो हमने प्रेशर कुकर यहाँ यूज़ किया है, कुकर में पकाया है ताकि हमारा टाइम जो हो वह बच जाए। अब हम इसको सर्व भी कर सकते हैं। यहाँ मैंने हीट बहुत कम की है। अगर सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरी चैनल। अब ये सर्व के लिए तैयार है। इससे पहले मैं इसको डालूँगी ये कोरिएंडर लीव्स, हरा धनिया, फिर सर्व करते हैं। कैसे लगी आज की रेसिपी प्लीज़ शेयर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। अब सर्व करते हैं इसको एंड टेस्ट कीजिए। थैंक यू, एंजॉय एंड अल्लाह हाफ़।